मोटो व्लॉग है वो मैं इस वाले से शूट कर रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है ब्रेड? जी फटी फटी है ठंडे के मारे। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। और ये वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, क्योंकि मैं अभी इन टाइम इस शेड्यूल्स में जो काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने ऑफिस की वजह से, तो जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। ना मेरी अंकित की पाठशाला आप देख पा रहे होंगे, पर अभी जो हम यूट्यूब पर दोबारा से कंटिन्यू होने वाले हैं, रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलेंगी। और आज का थंबनेल देख कर तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ जहाँ से मैंने अपने यूट्यूब करियर की स्टार्ट किया था। फर्स्ट व्लॉग जो है मेरा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं फिर दोबारा से जाने वाला हूँ। और इस बार मेरे साथ प्रभात जा रहा है और एक पर्सन और जा रहा है, उसके बारे में इंट्रो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। और अभी मैं बस नहाने जाने वाला था, तो अभी नहा के फिर फटाफट से रेडी होता हूँ। रेडी होकर सीधा हम वहीं पर रास्ते में मिलेंगे जहाँ से हमने ब्लॉग शूट किया था। तो उससे पहले मैं आपको ड्रेसअप दिखा देता हूँ। मैं ये वाली हुडी डेनिम और ये जो वाली जीन ये पहने वाला हूँ। चलो फटाफट से मैं रेडी होता हूँ और सीधा रास्ते में मिलते हैं गाइस। सो गाइस पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने जो अपनी राइड स्टार्ट करनी है। अभी मैं आपको बाइक दिखाता हूँ अपनी। मैंने बाइक को इस तरह तैयार किया था, तो अब प्रभात अभी ये प्रभात की बाइक दिखाता हूँ। प्रभात की बाइक को इस बार हमने फ्लैग नहीं लगाया है, वैसे पिछली बार भी नहीं लगाया था, इस बार कुछ ऐसे प्रभात हमारे ये खड़े हैं। पर इस रास्ते में तो नहीं है हम, जिस रास्ते से हमने पिछली बार शूट किया था उससे पहले ही खड़े हैं। तो अभी सिर ढकते हैं और सिर ढकने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी सिर ढक लिया है और ये ग्लव्स हैं मेरे, अभी मैं दूसरे ग्लव्स भी पहनूंगा। दूसरे वाले ग्लव्स ना कहाँ रखे हैं? ये वाले ग्लव्स हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अपना जो मोटो ब्लॉग है वो मैं इस वाले से शूट कर रहा हूँ। ये मैं अपना देसी तरीका स्टार्ट किया है मैंने, इस वाले से आपको देखो मोटो ब्लॉगिंग वाला आपको सेट मिलने वाला है। तो उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग का व्यू आएगा आपको, तो वो देखो। तो रास्ते में बातें करते चलेंगे हम लोग। बहुत अभी जो ये मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप मैंने अपना तैयार किया था उसमें आपको मिल रहा है। ये ग्लव्स अभी मैं पहनने वाला हूँ। क्योंकि फतेहगढ़ साहब में जो है फ़ोन अलाउड नहीं होता है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा। और बताना चाहूँगा जो गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे थे उसमें से जो दो छोटे साहिबजादे थे बाबा को जो जब यहाँ पे सूबे की सभा में लाया गया था, तो उन्हें वो कबूलवा मुसलमान धर्म उन्हें कबूलवा रहे थे, पर वो दोनों टिके रहे अपने सिख धर्म पर। तो उनके वहाँ पर उनको ईंटों में चिनवा दिया गया था, तो ईटों में चढ़वा दिया गया था। तो उनमें उन परमात्मा में इतनी शक्ति थी कि उन वो ईटें जो है वहीं पे टूट गई थी, तो उनके नाम पर वहाँ पे जो है गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। तो उसके लिए हम वहाँ पे शीश पे मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं।
चलो धूप देखने मिल गई गाइस, गाइस आपकी कृपा से धूप देखने मिल गई है मेरे को, शुक्र है। नहीं तो पिछले रास्ते में पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग था, बहुत ज़्यादा फॉग था। यहाँ पे हम रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, लेके आओ वही जाके चाय पकौड़े खाने हैं ना तुमने, आलू वाले पकौड़े तो यहाँ पे होएंगे, जाके लेके आओ। हाँ कैसा लग रहा है ब्रेड? ये हमारा ब्रेड ठंडा ठंडा, ठंड में गाइस ठंडा ठंडा खाना पड़ा है, ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ठंड में छूट जा रहे हैं हम। तो गाइस हमने खा लिया है अपना गर्मा गर्म सैंडविच, और चाय तो नहीं पी हमने रास्ते में, देखते हैं दूसरी जगह चाय पियेंगे। जी बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को ईंटों में चिन दिया था, उनसे पहले उनको ठंडा बुर्ज नाम के ठंडा बुर्ज जगह पे रखा गया था। ठंडा बुर्ज उसका नाम बाद में पड़ा, उसको ठंडा बुर्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उन दोनों की दादी जी थी माता गुजरी जी, उनके साथ उन्होंने वहाँ पे 4 रातें निकाली थी उनकी सजा से पहले। जो जो वो 4 रातें थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि हम लोग उस ठंड को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे माता गुजरी जी ने सिर्फ एक हल्की सी सूती धोती पहन करके उनको 4 रातों को काटा था, तो इसलिए उस जगह को ठंडा बुर्ज बोला जाता है। उसको में आप पूरे साल में आप गर्मियों में सर्दियों में कभी भी जाएंगे तो आपको जो वहाँ पे ठंडक ही मिलेगी, ये नेचुरल चीज़ है। गाइस ये धूप निकल आई है, देखो सरसों कितना अच्छा लग रहा है, धूप निकल आई है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें थोड़ी ठंड कम लगेगी। पिछली बार जो है ये धूप जो स्टार्टिंग से ही थी, घर से निकलते सार से ही, नहीं तो घर से निकलते सार आपने देखा कितना ज़्यादा फॉग था, और ये धूप निकल गई तो धूप का आनंद उठाते हैं। अब फतेहगढ़ साहब जो है पहुँचने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है। वैसे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो गली में, लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटल में पार्क की थी, इस बार पार्क नहीं करी है, पार्किंग तो गली में पार्क कर दी है। तो अभी आगे रास्ते से मिलते हैं, चलो। ये प्रभात भैया स्माइल। गाइस जल्दी जल्दी में ना प्रभात ने बहुत तगड़ी शॉपिंग कर ली थी, पता नहीं कहाँ जाना था इसने, कहाँ नहीं पहले की करी थी, सिर्फ 2 जोड़ी स्वेटर लेके आया था। कितने का लाया था भाई? 6,000 रुपये 6,000 रुपये में लुट के आ गया, मस्त बढ़िया वाला। काफ़ी ज़्यादा अंदर हमने बाइक पार्क की है, इतनी ज़्यादा गली, मतलब 2-3 गलियाँ अंदर पार्क करके आया हूँ बाइक, इतनी गली के अंदर आना पड़ रहा है। देखो इस बार हम 27th को ही आ गए हैं क्योंकि सेकंड लास्ट डे है, मतलब कल लास्ट होगा, तो आज हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा दर्शन करने के लिए। तो क्राउड आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा है, अभी रास्ते में दिखेगा आपको, आगे देखते हैं। भाई साहब पिछली बार से तो कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, मतलब इस बार तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है इस बार पिछली बार से। ये देख है, ये देख जो है प्रभात हमारे लिए लेके आया था, यह वाली जो ग्रिल है, इस ग्रिल को क्रॉस करके प्रभात गया था, वहाँ सामने कड़ा प्रसाद के लिए देख मिलती है, वहाँ से लेके आया था देख। ये दोनों जो है सेवा करने
तो गाइस अभी फाइनली हमने मथा टेक लिया है काफी काफी ज्यादा भीड़ भड़कने के बाद। प्रभात कैसा लगा भीड़? पिछली बार से कुछ ज्यादा ही थी ना? हेलो थल्ले करते हां पिछली बार से काफी ज्यादा भीड़ थी काफी ओके हम मथा टेक पाए हैं वापिस आ रहे हैं। फिर अभी लास्ट आपने देखा ही होगा दर्शन करने के लिए हम तो जो कैमरा अलाउड नहीं होता तो ज्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो सब साथ संगत जितनी भी बाहर बैठी हुई है बाहर जा रहे हैं बाहर जाके जोड़ा कर बोते लेके फिर थोड़ा बहुत सामान खरीदना सामान खरीद के फिर वापस चले जाएंगे। पीछे पहाड़ चल रहा तो उसकी ज्यादा आवाज आ रही होगी मेरी कम आवाज आ रही होगी। हो गई भाई बंदा खो गया हमारे साथ। ओ सो फाइनली मथा टेकने के बाद फ्री हो गए अभी बाइक पे आ गए थे वापस। अब हमने बाइक स्टार्ट कर लिया तो निकलने वाले हैं निकल के अब सीधा घर पे मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं यार बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। मतलब यहाँ से इतनी दूर तक हम चल के गए थे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैरों में और ये व्यक्ति तो इतना खुश लग रहा है जैसे पता नहीं इसके क्या मिल गया। क्या मिल गया भाई? हाँ इसने देखो हाँ गाइस आपको दिखानी थी एक चीज़ इसने ना 100 रुपये में 2 सेंट लिए हैं यहाँ पर और 2 शैम्पू। हम चलो घर पर मिलते हैं हम सीधा। सो गाइस अभी आ गए हैं वापस और वापस घर पे आते सार ही मैं तो सो गया था मस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया वहाँ से आते सार जैसे कमल में लेटा वैसी नींद आ गई थी बहुत तेज़ की। अभी अप्रॉक्स 7:30 हो रहे हैं तो और भी उठाऊँ मैं अब उठ के अब डिनर कंप्लीट करूँगा। डिनर के बाद जो है फिर वीडियो एडिट करनी है ये वाला ब्लॉग आप जो देख रहे हो इसको एडिट करना है देन उसके बाद जो है और इस बार जो है पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हमें जो है काफ़ी टाइम लग गया था और फिर जल्दी जल्दी फिर हम घर आए फिर घर पे काफ़ी सारे काम थे मेरे को तो फिर अब वो पहले निपटाऊंगा देन उसके बाद डिनर कंप्लीट करूंगा। और चलो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वी ऑल पीस।